तो अभिनंदन दिवस आज पूरा देश मना रहा है, लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता दें कि अमेरिका किस तरह से भारत के साथ खड़ा है और तल्ख तेवरों में साफ कर चुका है कि पाकिस्तान को आतंकियों की फंडिंग पर रोक लगानी चाहिए। भारत की संभावित जवाबी कार्रवाई के डर से आपको बता दें पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस को बंद किया हुआ है। लाहौर, कराची समेत कई शहरों में पूरी रात ब्लैकआउट भी रहा है। वहीं पाकिस्तान ने पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में रात भर गोलीबारी की। भारत ने पाकिस्तान की गोलीबारी का करारा जवाब भी दे दिया। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि एक तरफ तो शांति का मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, लेकिन कल सेना के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने सुना होगा, दो दिन में 35 बार सीज फायर तोड़ा गया है और सीज फायर वायलेशन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। भारत भी उसी तरह से करारा जवाब दे रहा है, लेकिन उन लोगों के लिए यह संदेश है जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को शांति का मसीहा बताने से पीछे नहीं हट रहे हैं। पाकिस्तान का असली चेहरा क्या है वो खुद ही बार बार दिखा देता है। तो आपको बता दें अभिनंदन वापस लौट रहा है और जैसा कि अब से कुछ देर पहले हमारी संवाददाता बता रही थी कि पाकिस्तान की यह कोशिश है कि वाघा बॉर्डर के रास्ते अभिनंदन को भारत को सौंप कर एक फोटो ऑप उसे मिल जाए, दुनिया के सामने उसे यह दिखाने का मौका मिल जाए कि देखिए पाकिस्तान तो शांति चाहता है, भारत को अब कहें कि संयम बरते, लेकिन पाकिस्तान की यह चाल हो सकता है कि भारत कामयाब होने ही ना दे, हो सकता है कि सीधे दिल्ली से ही खबर आए अभिनंदन के वापस लौटने की। और सवाल हमारा यह भी है कि क्या भारत का एंड गोल, आखिरी लक्ष्य यही था या फिर यह था कि पाकिस्तान में जो आतंकी और उनके आका बैठे हैं उनका पूरे तरीके से सफाया हो, आतंक का समूल नाश हो, इसके लिए भारत ने यह जंग शुरू करी थी जिसके लिए आज भारत के साथ दुनिया भर के देश खड़े हुए हैं। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान जुड़ रहे हैं ये आपको बता देते हैं। हमारे साथ तारिक फतेह साहब कॉलमनिस्ट हैं, टोरंटो से जुड़ रहे हैं, और मेजर जनरल के सिन्हा साहब रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ अब से कुछ देर में चारू प्रज्ञा जुड़ जाएंगी। आमिर हैदर जैदी हमारे साथ सीपीआई के नेता जुड़ रहे हैं और आसिफ भामला राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तारिक फतेह साहब का मैं रुख करना चाहूंगा। तारिक फतेह साहब, अभिनंदन को वापस करके क्या शांति के मसीहा बन गए हैं इमरान खान, या फिर इमरान खान के भीतर का ये डर है जो बता रहा है कि अगर सकुशल अभिनंदन की वापसी ना हुई तो फिर डर लग रहा है कि कहीं एक और एयर स्ट्राइक ना हो जाए और फिर दुनिया को जवाब क्या देंगे? देखिए, पाकिस्तान आपको ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि इंटरनेशनल फील्ड में एक POW को, एक कैप्चर्ड पायलट को वापस देने में वो अपनी पब्लिसिटी बड़ी धूमधाम से करेंगे। आपके ना सिर्फ वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर इसकी पब्लिसिटी, आप उसका इंडिया के अंदर जो लोग मुझे कभी समझ में नहीं आया क्यों ऐसी बात करते हैं, वो एक जिसे कहते हैं कि पीस नाउ मूवमेंट होनी चाहिए, हैशटैग नो वॉर और ये सब, यानी वो एक ही कदम उठाने में काफ़ी गेन कर जाते हैं। इसको मद्देनज़र रखें आप। पाकिस्तान ने हमेशा हिंदुस्तान के खिलाफ एक इरादा अपना बना के रखा हुआ है कि हम हिंदुस्तान, हमारा वजूद ही इसलिए कि हम हिंदुस्तान को तबाह करें, लेकिन वो टैक्टिकली ऐसे काम करता है कि उसको दुनिया भर में इधर उधर जो है पॉपुलैरिटी थोड़ी बन जाती कि देखिए साहब वो तो विंग कमांडर चाहते तो रख लेते, अब नेक दिल्ली में इमरान खान ने वापस दे दिया। इमरान खान खुद कोई हैसियत नहीं रखते हैं, पाकिस्तान फौज के हाथ में एक मुल्क है वो चला रहे, और जो मकसद हिंदुस्तान का था 40 से ज्यादा हिंदुस्तान फौजी मरने के बाद, वो मसला आज वही है जहां पहले था, यानी वो जैश और मिलिट्री। सर यही बात हम कर रहे थे, सर यही बात हम लोग कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि अभिनंदन की वापसी से हम ये भूल जाएं कि हमारा आखिर बदला किस चीज को लेकर है, भारत ने जो कदम उठाया है वो किस चीज को लेकर उठाया है। आपकी नेक दिल्ली में आपके कई जो NGO टाइप के अपर मिडिल क्लास के लोग हैं वो बेवकूफ बन सकते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि आम हिंदुस्तानी जो सड़क है वो भूल सकता है कि 40 जवान मार दिए और अब एक झड़प के बाद एक विंग कमांडर को वापस भेज के, यानी अब सुलह सफाई हो जाएगी। सर तो वैसे भी संधि के तहत है, संधि के तहत है। ठीक है, तारिक फतेह साहब के साथ हम जाएंगे। के सिन्हा साहब से पहले मैं एक रिएक्शन ले लूं। के सिन्हा साहब,
कहीं इमरान खान को यह तो नहीं लग रहा कि अभिनंदन को वापस कर देंगे तो मसूद अजहर और हाफिज सईद पर भारत बात नहीं करेगा, भारत उन्हें बख्श देगा, यह तो नहीं लग रहा इमरान खान को? देखिए विशाल, इमरान खान को भी पता है, पाकिस्तान को भी पता है जिस तरह से उनको चोट पड़ी है, और आप बताएं ये आप इसको किस तरह से पढ़ते हैं, इसकी कैसी समीक्षा करते हैं? देखिए यह भारत ने तो जो ये जंग है ये तो अभी शुरू ही किया है, और ये जो डॉक्ट्रिन में जो बदलाव आप देखते हैं ये हमारी लीड है पूरे वर्ल्ड के ऊपर में कि आतंकवाद को कैसे करना चाहिए, जो एपिसेंटर है उसको कैसे ख़त्म करना है, वो उसका एक नया अध्याय शुरू हुआ है। इसकी समीक्षा लोग दूसरे तरीके से करेंगे, जीत हार सेम स्टेटस को जी, मगर आप देखिए ये नया भारत का एक बदला चेहरा है और जिस तरह से हम उभर के आए हैं और इस लीड में हमारे सारे फॉलो करेंगे। जो आप देखते हैं ना अमेरिका के ऊपर भी हमने सवाल खड़ा किया कि F-16 कैसे यूज हुआ, तो ये अब भारत की जो वो लीड है और सारे इसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसको एक्नॉलेज कर रहे हैं, और इसकी एक्नॉलेजमेंट में आप देखिए कि जैसे OIC के अंदर में ये पूरा बदलाव है, आप इसको कैसे पढ़ते हैं, कैसे अपने इसको देखते हैं, आप इसको देखिए। देखिए ये अभिनंदन का जो वापस आना तो 100% वो आज आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 3 दिन बाद 7 दिन बाद exactly. वो तो आना ही था, और हमने एब्सोल्युटली क्लियर किया है कि ये कोई ऐसा मत सोचे कि कंधार की गलती हम कर गए, ये कंधार वाली गलतियां नहीं है। हाँ, और ये कॉन्ट्रडिक्शंस हैं जो इंडिया के इनर लाइन का जैसे बता रहे थे पहले, तो वो हमारी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, ये हमारे संभाव इसी कॉन्ट्रडिक्शंस में, और यही सच्चाई है सर, पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं बचाना, उसके अलावा वो हर चीज पर डील करना चाहता है। अनवर साहब बैठे हैं, उन्होंने आज हमने पाकिस्तान को वहां लाकर खड़ा कर दिया कि पाकिस्तान हर चीज पर डील करना चाह रहा है। क्या डीलिंग है? देखिए डीलिंग पाकिस्तान को हमने एक मौका दिया है और उसके पूरे इन्हें पाकिस्तान के लोगों को मौका दिया है, और पाकिस्तान मैं आपको ये भी उम्मीद दिलाता हूँ कि पाकिस्तान का एक तकवा है वो जो कि सेंसिबल है, और ये उसके लिए नहीं पाकिस्तान के लिए पूरे विश्व के लिए एक ऐसा मौका है कि आप देखिएगा कि कैसे चीजें आपको बदलती नजर आएंगी। ठीक है, चीजें बदलती नजर आएंगी। के सना साहब, आसिफ भामला से भी जान लेते हैं, आसिफ भामला साहब कहीं इमरान खान के इस जेस्चर से भारत के लोग पिघल तो नहीं जाएंगे? कहीं ये तो नहीं सोच लेंगे कि वाकई में शांति के वो मसीहा हैं, और ये भूल तो नहीं जाएंगे कि ये भारत के दबदबे का नतीजा है, कूटनीतिक तौर पर ये भारत की जीत है कि पाकिस्तान को मजबूर होना पड़ा है, पाकिस्तान को शांति का मसीहा नहीं बन रहा है यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो आज अभिनंदन दिवस है, हम अभिनंदन करते हैं और सलाम करते उस वीर को, शूरवीर को, जिसने गौरव प्राप्त किया पूरे विश्व भर में, जिस कंपोज तरीके से उसने अपने आप को प्रस्तुत किया इवन आफ्टर बीइंग इन पाकिस्तान कस्टडी, वो सराहनीय है यकीनन। लेकिन इसके साथ मैं ज़रूर बता दूं कि पाकिस्तान अब ये समझ गया है कि ये नया हिंदुस्तान है, ये घुसेगा भी और मारेगा भी, और छेड़ोगे तो छोड़ेगा भी नहीं। और सर हम तो ये भी कह रहे हैं बहुत समय कि अभी तो 80 किलोमीटर घुसे थे, अगर हमें बीचों बीच में घुसकर भी अभिनंदन को लाना होता ना वापस, तो एक खरोच के बिना हम उन्हें वापस ले आते, तो ये तो पाकिस्तान भूल जाए। लेकिन इससे हम समाधानी नहीं है, मुझे बोलने दे आप, इससे हम समाधानी नहीं है, क्योंकि ये जो पाकिस्तान कर रहा है विश्व में एक अलग अपना चेहरा दिखाने के लिए, वो एक बहुत बड़ा शांति दूत है, जो विश्व अब जानता है कि सबसे बड़ा आतंकवादी टेरर एक्सपोर्टर यदि पूरे विश्व जो देश के लिए जरूरी है, इस पूरे बालकोट जो अटैक हुआ उसमें शहजादुद्दीन करके नंबर 19 स्क्वाड्रन, उसका भी वो भी शहीद हुए जो पाकिस्तानी स्क्वाड्रन थे, और वो पाकिस्तान की सरहद पे गिरे। और मैं ये पूछना चाहता हूँ पाकिस्तान से कि आप अपने शहीदों
को नहीं समझते हैं आप उनकी आज उस शहीद ने अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान की, आपने उस शहीद का जिसका नाम है शहजादुद्दीन उसका उल्लेख नहीं किया, और मुझे लग रहा है हिंदुस्तानी मीडिया को भी शायद इस बात की जानकारी कम है, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि वो शहजादुद्दीन का अभिनव तो जिंदा है वहां और आज लौटेंगे भी, लेकिन शहजादुद्दीन जो पाकिस्तानी शहीद है उसे पाकिस्तान कब इस बात की जानकारी, उसे लौटाने की जरूरत नहीं है, आप इस बात की पुष्टि तो करिए कि इस जवान ने झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाने की फुर्सत होगी पाकिस्तान को तो वो ये सब करेगा ना सर, अभी तो वो अपनी चादर ही बचाने में तुला हुआ है। हकीकत को तो आप ठीक है सर, मैं आऊंगी आपके पास, मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं बात के साथ, मनीष अभिनंदन को लेकर उनकी वापसी को लेकर जो भी अपडेट है आप पहले उसे साझा करें। देखिए अभी लेटेस्ट जो 8 बजे की जानकारी है कि अभी तक पाकिस्तान में जो हमारे पास जानकारी आ रही है कि उन्होंने अपने एयर स्पेस को अभी भी पूरी तरीके से लॉक रखा है, उनकी कोई फ्लाइट्स पाकिस्तान में उड़ नहीं रही है क्योंकि उनको अभी भी खौफ है कि जो इंडिया है इंडियन एयरफोर्स है वो उन पर कार्रवाई कर सकती है। ये एक बड़ी बात है क्योंकि कल से जो टेंशन है वो डाउन होती जा रही है, लेकिन पाकिस्तान को अभी भी भारत का डर है, ये एक बहुत बड़ा प्रूफ है क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान एक नैरेटिव देने की कोशिश कर रहा है कि उन्होंने भारत पर एक एहसान किया है, वो ने एक दरिया दिली दिखाई है, लेकिन जहाँ तक भारत की बात की जाए तो भारत ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि अभिनंदन को वो छोड़े, ये कोई निगोशिएशन नहीं है, नहीं छोड़ेगा तो कार्रवाई होगी। दूसरी बड़ी बात कि टेरर कैंप्स पर अगर दोबारा भारत पर हमले होते हैं तो भारत के विकल्प हमेशा खुले हुए हैं। देखिए मनीष हमारे साथ है, मनीष ये बड़ा बयान है पाकिस्तान के विदेश मंत्री की तरफ से जो इस बात को कबूल रहे हैं कि मसूद अजहर वही है और इस कदर बीमार है कि घर से बाहर नहीं निकल सकता है, लेकिन किस बेशर्मी के साथ एक आतंकी सरगना के लिए वो सिंपथी दिखा रहे हैं, सहानुभूति दिखा रहे हैं उसके स्वास्थ्य को लेकर। ये पूरी दुनिया को आज देखना चाहिए और समझना चाहिए कि भारत ने जो कार्रवाई की है वो कितनी जरूरी थी। देखिए भारत तो हमेशा से कहता रहा है कि हाफिज सईद हो या मसूद अजहर हो या दाऊद है वो पाकिस्तान के अंदर है, और हमें तो कभी शक नहीं रहा, पाकिस्तान हमेशा ही नकारता रहा, चाहे वो दाऊद की बात किया जाए और मसूद अजहर को लेकर के उनका पहली बार एक ऑफिशियल एक पब्लिक स्टेटमेंट आया है। लेकिन अगर आप देखें तो लगातार जब पुलवामा में अटैक हुए, उससे पहले उरी में अटैक हुए, उससे पहले पठानकोट में अटैक हुए, जैश ए मोहम्मद के ऑडियोज और वीडियोज और कम्युनिकेशन के सारे सबूत NIA ने इकट्ठे किए थे, पाकिस्तान को दे रहा था। अगर आप इस बयान को देखें तो एक बार के जो विदेश मंत्री कह रहे हैं कि भारत अगर पुख्ता सबूत दे और उनके कोर्ट में अगर एडमिशनल है तो वो कार्रवाई करेंगे, इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि भारत ने लगातार मसूद अजहर और उससे जुड़े जो आतंकी संगठन हैं उनके सबूत पाकिस्तान को दिए, पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि इस बारे में कोई बात नहीं की। एक बार जब वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मसूद अजहर उनके पास है और बीमार पड़ा हुआ है, फिर तो पाकिस्तान की पोल खुल जाती है। ठीक है पूजा अभी हमारे सहयोगी वाघा बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ी, पूजा आपके पास मैं आऊं, लेकिन तारिक फतेह सर आपने ये बयान सुन लिया, इससे बड़ा सबूत अब क्या होगा, क्योंकि इंटरनेशनली भी अगर बात की जाए हमने उस फोरम पर ये कह दिया है कि आप और देशों ने ये बात कह दी है कि अजहर को अब आतंकी घोषित किया जाए। नहीं, ये किसने कहा कि वहां नहीं है पाकिस्तान, एक ऐसी बात तो प्रूव ना करें जो तय हो चुकी है, ये सब पाकिस्तान में है। लेकिन ये आप क्वेश्चन ये करिए कि पाकिस्तान के अंदर इंडिपेंडेंट जुडिशरी नाम की चीज नहीं है, वहां का चीफ जस्टिस जो है वो डैम के चंदे जमा करता है। व्हाई कांट पीपल इन इंडिया अंडरस्टैंड कि देयर इज नो इक्विवेलेंट, ये ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान टाइप का एक मुल्क पाकिस्तान है जी। हिंदुस्तान एक नेशन स्टेट है, एक रिपब्लिक है, और पाकिस्तान एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है जो 47 में बना था हिंदुस्तान के खिलाफ गजवा हिंद करने के लिए। जब तक आप इसकी आइडियोलॉजिकल बेसिस नहीं समझेंगे तो आप याद रखिए कि पिछले 20 साल में अमेरिका ने भी अफगानिस्तान के अंदर हर चीज कर ली और आज देखिए कि बिल्कुल हार मान के जा रहा है, और वही तालिबान वही अलकायदा वही आइसिस फिर से आ गए। तो आप एक मसूद अजहर को पकड़ेंगे, 10 को पकड़ेंगे, लेकिन वो जरासीम जिसके तहत लाखों बच्चे निकलते हैं सर पे कफन बांध के, जो कहते हैं कि हमें जिंदगी चाहिए ही नहीं, हम मौत चाहते हैं, तो आप उस आइडियोलॉजिकल वॉर को लड़े ना, बम मारने से, जेट फाइटर से। ठीक है, बाघा बॉर्डर से हमारे साथ हमारी सहयोगी पूजा मक्कर है, पूजा आपसे समझना चाहेंगे, आज
इंतजार हो रहा है अभिनंदन का, लेकिन आप जिस तरह से बार बार जिक्र कर रही हैं कि दरअसल वाघा बॉर्डर के रास्ते अभिनंदन को वापस लौटाना, पाकिस्तान इसे एक अवसर के तौर पर देख रहा है, एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहा है कि दुनिया के सामने जब अभिनंदन को वापस करेंगे तो दुनिया में एक अच्छा संदेश जाएगा कि देखिए साहब हम तो शांति चाहते हैं, लेकिन फिर भी तैयारियां क्या है वहां पर, ये बताइए जरा। बिल्कुल, सबसे पहले विशाल मैं आपको यहाँ की तस्वीर दिखा देती हूँ। हम यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ मेरे पीछे एक बोर्ड लगा है जो बता रहा है कि लाहौर 23 किलोमीटर दूर है। दूरियाँ सिर्फ अगर सड़क से नापी जाएं विशाल तो ये ज़रूर 23 किलोमीटर दूर है, लेकिन चूंकि दिलों की दूरियाँ बहुत ज़्यादा हैं इसीलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि हो सकता है जिस तस्वीर का इंतज़ार यहाँ से किया जा रहा है, जिस तस्वीर के लिए तमाम मीडिया यहाँ पर जमा है वाघा बॉर्डर पर, कुछ एक लोग भी आए हुए हैं, हम आपको यहाँ की तस्वीर दिखाना चाहेंगे, हाथों में तिरंगा लेकर यहां पर इंतजार कर रहे हैं कि कब अभिनंदन को इस रास्ते से लाया जाएगा। जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि दोपहर 2 बजे लाया जा सकता है, लेकिन हम बार बार जी न्यूज के जरिए ये कहना चाह रहे हैं कि हो सकता है राजनयिक जो कोशिशें हो रही हैं वो इन रास्तों से अलग हो रही हो सकता है वाघा बॉर्डर जो है एक प्रतीक बनकर जरूर रह जाए, लेकिन तस्वीर वाघा बॉर्डर से नहीं कहीं और से निकल कर आए। हो सकता है कि पाकिस्तान जो कोशिश कर रहा है यहां से एक मीडिया अपॉर्चुनिटी में तब्दील करने की, वो कोशिश पूरी तरह से नाकाम हो जाए। जिस तरह से आज पाकिस्तान के विदेश मंत्री दबाव में ही सही ये मान रहे हैं कि मसूद अजहर वहां हैं और वो बीमार हैं, वो सिर्फ शारीरिक बीमारी को मान रहे हैं, आतंकवाद की विरोधी मानसिकता रखने वाला और आतंकवाद का जो सरगना है वो मानसिक तौर पर बीमार है, ये पूरी दुनिया पहले से जानती है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान प्रेशर में है ये साफ समझ में आ रहा है, और ये भी समझ में आ रहा है कि भले ही हमारे विंग कमांडर इस वक्त उनके पास हो, राजनयिक मोर्चे पर, राजनीतिक मोर्चे पर भारत की जो लड़ाई है वो कहीं ज्यादा मजबूत नजर आ रही है, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि हमने प्रीएम्प्टिव एक्शन लिया था, मिलिट्री स्ट्राइक नहीं की थी। ये जो हरकतें की जा रही हैं पाकिस्तान की तरफ से की जा रही हैं, अब देखना ये होगा कि जो वापसी हमारे विंग कमांडर पाकिस्तान की होती है, यही प्रोपोगंडा तक वो फैलाने में कामयाब नहीं होगा कि राजनयिक सफलता भारत हासिल करता है, और उसके हर एक वार का जवाब हम दे रहे हैं और माकूल तरीके से दे रहे हैं, और यही कारण है कि पाकिस्तान के पास अब कुछ बचा नहीं है विशाल, सिवाय इस तरह का झूठ फैलाने के। तो वतन लौट रहा है देश का वीर सपूत अभिनंदन, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर हम आपको बता दें। अब से कुछ देर पहले जो बयान हमने आपको सुनवाया पाकिस्तान के विदेश मंत्री का, जहां पर वो कबूल कर रहे हैं विदेशी मीडिया के सामने कि जैश का सरगना मसूद अजहर उनके देश में है और काफी अस्वस्थ है, इतना अस्वस्थ है कि वो तो घर से बाहर भी नहीं निकल सकता है, किस बेशर्मी के साथ वो जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के साथ अपनी सहानुभूति दिखा रहे थे। ये देखना चाहिए दुनिया को और समझना चाहिए चारू प्रज्ञा कि क्यों ये जरूरी हो गया था कि अब भारत घर में घुसकर मारे, क्योंकि पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद के ही साथ खड़ा है, मसूद अजहर के ही साथ खड़ा है और हाफिज सईद के ही साथ खड़ा है। विशाल आप ये देखिए, कल तक तो ना अजहर इनके पास था, कल तक ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे सुबह, कल तक ये कह रहे थे कि हमने भारत के पायलट पकड़ लिए। अब माफी चाहूंगी ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रही हूं मैं नेशनल टेलीविजन पर पाकिस्तान मरता क्या नहीं करता, मजबूरी थी उनकी, इंडियन आर्मी उनके दरवाजे पे खड़ी है, उनको मालूम है। जिसको ये पीस जेस्चर बोल रहे हैं, ये कोई पीस जेस्चर नहीं है, आज ये दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं कि ये हमारे पायलट को सुरक्षित हमें लौटा रहे हैं। क्या ये भूल गए दुनिया पहले ही इनकी हरकतें देख चुकी है? दुनिया ने पहले देखा इन्होंने पुलवामा में अटैक कैसे किया, सबने देखा इनकी F-21 इंडियन एयर स्पेस में आके इंडियन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को अटैक कर रहे थे। क्या ये भूल गए हमारा पायलट वहां पहुंचा क्यों और कैसे? और मैं हमारे देखने वाले सब व्यूअर्स को भी ये बात याद दिलाना चाहूंगी, हम ये देख रहे हैं हमारे पायलट अभिनंदन वापस अपने देश लौट रहे हैं आज हम, लेकिन ये भूले नहीं वो वहां पहुंचे कैसे। और जो लोग मीडिया के, जो लोग पॉलिटिशियंस, जो भी आज इमरान खान को धन्यवाद कर रहे हैं, मैं उनको ये बात याद दिलाना चाहूंगी फिर से, आप याद कर लीजिए वो वहां पहुंचे कैसे। बिल्कुल, और आमिर हैदर जैदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं CPI से। आमिर हैदर जैदी, अभी ममता बनर्जी ने भी सबूत मांग लिए, उन्होंने कहा कि हमें ये बताइए कि आप लोग कितने लोगों को मारकर आए हैं और कितने लोगों का डेटा आपके पास है। सर अभी हम लोग किस फोरम पर खड़े हैं, किस किन परिस्थितियों में खड़े हैं, क्या ये नजर नहीं आ रहा कि अब विपक्ष के नेता आ गए हैं अपनी असलियत पर? देखिए, हम अपनी फौज और अपने रणनीतिकारों का धन्यवाद देते हैं और कामना करते हैं कि हमारा कमांडर जो है विंग कमांडर वो सकुशल अपने परिवार से आके मिले, और मेरी ये कामना है।
दूसरे ये कि हम मजबूत विपक्ष हैं और जिम्मेदार विपक्ष हैं। हम ये भी कहना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ नहीं हैं, पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यही बताना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ तो सरकार भी तो यही बता रही है ना, जो हमने तो किया ही, हमने आतंकियों को टारगेट किया, आवाम को तो टारगेट किया ही नहीं। आप सुनिए, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप सुनने की सलाहियत रखिए। सर बोलिए, सलाहियत रखिए। मैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संबोधित करने की बात कर रहा हूँ, मैं अंदरूनी मामलों पे नहीं बोल रहा हूँ, मेरे शब्द भी नपे तुले होने चाहिए। दूसरे ये कि हमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ये जानता है कि हमारे जो अपराधी है कंदार हाईजैक के, चाहे वो असद हाफिज सईद हो या असद मसद मसूद अजहर हो, क्या नाम है उसका, वो वहाँ मौजूद हैं और किसी मुल्क के अपराधी को या जो उस मुल्क का किसी मुल्क के अपराधी को अपने यहाँ छिपाना भी अपराध है। हम इमरान खान से ये भी अपील करेंगे कि जो हमारे अपराधी वहाँ मौजूद हैं उन्हें हमें सौंपा जाए, तब उनका चरित्र सामने आता है। लेकिन कुछ लोग यहाँ बैठ के गजवाए हिंद की बात करते हैं, ये ऐसे जो कुछ शैतानी दिमागों की उपज है, उनमें से एक आपके पैनल पे बैठे हैं तारिक फतेह साहब, जो ये गजवाए हिंद की बात करते हैं कुछ शैतानी दिमागों के उपज है। अबू हुरैरा सबसे झूठा इंसान है, मैंने भी सोचा मैं भी इसे पढ़ लूं, लेकिन पता चला कि कुछ शैतान लोग हैं जो इस दिमाग को। सर पहले ये तो बताइए कि अपने देश में जो अपने देश में जो शैतान बने बैठे हैं, आपने उनका नाम ले लिया है? नहीं नहीं, चारू प्रज्ञा, एक बहुत जरूरी बात मैं पूछना चाह रही हूं। चारू प्रज्ञा एक मिनट, जिनका नाम उन्होंने ले लिया है वो पैनल पर मौजूद है, तो बेहतर यही होगा कि जवाब वही दे दें। तारिक फतेह साहब जी, ये जो हमारे एक एक करके सुनिए सुनिए, आमिर हैदर साहब सुनिए जी, सुन लीजिए, मैं किसी सुन लीजिए, सुनने का बर्दाश्त कर लीजिए। ये जो गजवा हिंद है ये सुनने की बर्दाश्त करता हूँ, ये कुछ शैतानी दिमागों की उपज है, ये खामोश हो जाए। कोई पार्टी बॉस अबू हुरैरा वो शख्स था जिसने ये एक फतवा दिया था कि जो मक्के की प्याज मक्के में खाएगा उस पर जन्नत। आमिर हैदर जैदी, आमिर हैदर जैदी, आप काउंटर तब अच्छे से कर पाएंगे जब आप उन्हें सुनेंगे। बदनाम करने आमिर हैदर जैदी, प्लीज आप उन्हें सुनिए फिर काउंटर करें। ब्रेजनेव के पीछे जाइए, ये कहाँ किस चक्कर में पड़ गए आप? अब आपको क्या पता अबू हुरैरा कौन थे? मेरी बात सुनिए, पाकिस्तान आर्मी का जो फाउंडेशन, तुमसे ज्यादा मुझे पता अबू हुरैरा कौन। अबू हुरैरा तारीख का सबसे झूठा इंसान है जिसने ये कहा था कि जो मक्के की प्याज मक्के में खाएगा उस पर जन्नत। सर हम कौन से दिशा में लेकर जा रहे हैं डिस्कशन को? आप तारीफ करेंगे कि नहीं आज भारत की कूटनीतिक जीत की? आप तारीफ करेंगे कि नहीं भारत की सेना की? आप तारीफ करेंगे कि नहीं भारत सरकार के दबदबे की दुनिया में कि आज अभिनंदन को वापस भी करना पड़ रहा है, पाकिस्तान को डर भी लग रहा है? आपने एक बार भी तारीफ नहीं करी है। तो ब्रेजनेव आप नहीं प्रशंसा करेंगे भारत की? आज आपको शुरू रिमार्क में अगर मुझे आपने सुना होगा, आपको विशाल आपको एक बात पता है, पाकिस्तानी मीडिया भी हमारे ऑपोजिशन को कोट कर रही है। सराहना करता हूँ और क्या कहा जाएगा आमिर हैदर जैदी, ऐसे तो नहीं होगा डिस्कशन सर, मैं ऐसे नहीं होने दूंगी। आप एक एक करके बात बोलिए, जिनके लिए आपने सवाल किया उनकी बात आप सुन नहीं रहे हैं। तारिक फतेह सर आपको मैं 40 सेकंड्स दे रही हूँ, आप अपनी बात करिए। अरे मैं तो रखती हूँ, आप मेरी बात सुनिए। आपके जैसे स्टेटमेंट देने से पाकिस्तान की मीडिया कोट कर रही है, हमारे ऑपोजिशन को मजाक बना रही है, हमारा की गड़ी है, और ऐसे इंसान को मैं अपने देश के अंदर। अच्छा हमें नजर से चारों प्रज्ञा को सुन लीजिए, चलिए आप जैदी साहब यही मैं तो यहाँ हूँ, मेरी सुन लीजिए। अब आप ये मुझे बताइए, पाकिस्तानी मीडिया आप जैसे लोगों को कोट कर रही है, हिंदुस्तान के खिलाफ आप जैसे लोगों को कोट कर रही है, आप कहाँ गई आपकी देशभक्ति करने की? कब बात करेंगे कि आप जो होश ठीक है, ने तारिक फतेह साहब का नाम लिया है तो पहले जरा तारिक फतेह साहब को सुन लेना चाहिए, वो किस क्या बात रखना चाह रहे हैं। तारिक फतेह साहब एक बार बोल लें, फिर चारू प्रज्ञा आपके पास आते हैं। तारिक फतेह साहब जी, पाकिस्तान आर्मी का बुनियादी डॉक्ट्रिन है गजवा हिंद, नस्र मिनल्लाह फतुन करीब, यानी इंशाल्लाह जल्द कुफर का खात्मा होगा। ये जैदी साहब ये कम्युनिस्ट पार्टी के बनते रहे, लेकिन इसी कम्युनिस्ट पार्टी ने 20,000 आदमी भेजे थे पाकिस्तान में कांग्रेस 47 में हराने के लिए,
ताकि जिना साहब की ये खिदमत करें, ये सीपीआई अधिकारी कमीशन रिपोर्ट को छोड़े और पाकिस्तान की बात करनी है तो फौज की बात करें। मैं आपको बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान आर्मी का जो डॉक्यूमेंट है जिसकी बेसिस में पाकिस्तान आर्मी एग्जिस्ट करती है, उसका फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है कि अंटिल एंड अनलेस एवरी हिंदू इज डेड, अंटिल इज एवरी हिंदू टेम्पल इज क्रश्ड, the task of the Pakistan Islamic Army will not be completed. ये कौन आपको बताएगा? कैसे आप लोग बैठे में कि ये जैदी साहब हैं या हैदर साहब हैं, कौन है CPI के? ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में मौलवी कहां से? ठीक है, तारीफ करते हैं साहब, लेकिन 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 मैं फिर से जैदी साहब, मैं इस डिस्कशन को इस तरफ तो नहीं जाने देंगे जिस तरफ आप ले जाना चाह रहे हैं, इसीलिए चारों जैदी से इस पर जवाब ले लीजिए। आमिर हैदर जैदी, भारत भारत सरकार की, भारत की कूटनीतिक जीत की तारीफ करेंगे कि नहीं करेंगे? आप डिस्कशन को जिस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं, डिस्कशन उस पर नहीं हो रही है। डिस्कशन हो रही है अभिनंदन के वापस लौटने पर, डिस्कशन हो रही है कि पाकिस्तान ने जो किया है वो कोई शांति का संदेश नहीं है, ये डर है भारत से। मैं इस पर आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। विशाल, देखिए हमारी इस वक्त एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मीटिंग्स कर रही हैं। अब सवाल पूछा है तो जवाब ले लीजिए जी। 30 सेकंड से 30 सेकंड पूछा तो जवाब ले लीजिए। 30 सेकंड में जवाब दे रहा हूँ। खामोश, खामोशियां पढ़ना सीखिए, खामोश रहना सीखिए। विदेश नीति जुबान बंद करके आंख नाक खोलने का नाम है। जो बेलगाम जुबान सहराई दरिंदों से ज्यादा खतरनाक होती है। हम विदेश नीति पे बात कर रहे हैं, विदेश नीति भी टीवी पे डिसाइड नहीं होती है। हमने कहा हम अपने रणनीतिकारों को बधाई देते हैं जिनकी रणनीति के हिस्से में आज हमारा विंग कमांडर हिंदुस्तान आ रहा है। हम विंग कमांडर जिंदाबाद कहते हैं, लेकिन बूथ कमांडर से सवाल जरूर। सर एक बात बताइए, आमिर जैदी साहब, दूसरे तारीख फतेह को बात करता हूं, सवाल पूछना चाहती हूं। आप हमें टारगेट मत कीजिए ना सर, आप अगर देश में बैठे, आप जिस देश में बैठे हैं आप बोल दीजिए ना, आप सब एक हैं। आप जिस सरकार की बात कर रहे हैं, मैं उस सरकार की पार्टी को रिप्रेजेंट करती हूँ, आप मेरी बात सुनिए। यू आर ऑन अ रोल, दूसरों को बोलने दीजिए और सवाल सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिए। क्या ये भारत की विदेश नीति मोदी जी की बदौलत नहीं है कि आज पूरा विश्व हमारी तारीफ कर रहा है? सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल, आपको क्या लगता है पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर में कहीं से इंसानियत जाग गई, इसीलिए हमारा पायलट वापस आ रहा है? बिल्कुल नहीं, हमारी विदेश नीति, उनके ऊपर डिप्लोमेटिक दबाव, इसीलिए हमारा पायलट वापस आ रहा है। इस बात की समझ आपको मुझसे ज्यादा होनी चाहिए, आप सीनियर हैं। तीसरा मेरे से आपसे ये सवाल है, आप क्या ऐसा देश चाहते हैं जो बस एक समय में एक ही काम कर सके? आपको तो खुशी होनी चाहिए, रिपब्लिक ऑफ इंडिया इतना स्ट्रांग है, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं हम, कुछ रुक नहीं रहा हमारे देश में। और जिन बातों पर आप उंगली उठा रहे थे सुलझती जा रही है, तो आपको तो ताली बजानी चाहिए। आज किस तरीके की आप बातें कर रहे हैं, आप बताओ। ये लोग सिर्फ बोलेंगे, चारों ये लोग सिर्फ बोलेंगे कि हम साथ खड़े हैं, लेकिन विपक्ष होने के नाते ये पूरी भूमिका विपक्ष की नहीं है। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ठीक है, अब पूजा का रुख कर लेते हैं, वो वाघा बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूजा, पूरी चर्चा यहाँ पर सुन रही है, जरा आमिर हैदर जैदी को स्पेशली आप बताइए, आज जोश में है पूरा देश, कैसे स्वागत में खड़ा है, क्या तैयारियां हैं, जरा उन्हें बता दीजिए एक बार। बिल्कुल पयोधी, ये तस्वीर आमिर हैदर जैदी को साफ तौर पर देखनी चाहिए। चारों तरफ इस वक्त हम जहां खड़े हैं, वहां से लाहौर भले ही 23 किलोमीटर दूर है, लेकिन हिंदुस्तान का जो जोश है उसकी गूंज मुझे पूरा यकीन है 23 किलोमीटर से आगे जा रही होगी। आप तिरंगे देख रही हैं तस्वीरों में, यहां पर लोग पहुंचते चले जा रहे हैं देश के अलग अलग शहरों से कि वो अभिनंदन का स्वागत करना चाहते हैं। आप यहां पर फूल मालाएं देख रही हैं, लोगों के हाथों में तिरंगे हैं, ढोल नगाड़े हैं, और तमाम तरफ से एक ही आवाज आ रही है कि हम सब लोग जो हैं यहाँ पर अभिनंदन का स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं। इनसे बात करते हैं, आपके हाथों में तिरंगा है और टोपी है, कहाँ से पहुंचे हैं आप? लोकल गांव से है जी, अटारी से। बिल्कुल जी बिल्कुल, पूरी खुशी है हमें। मैम पास में गाँव अमृतसर का, यहाँ से आए हैं और सुबह से आए हुए हैं सर, अभिनंदन सर को मिलने के लिए। हाँ मिलना है सर, मैडम सुबह से आए, जब भी बाकी मिलेंगे उनको। आपके जो जोश की आवाज है वो मुझे लगता है पाकिस्तान पार तो जा रही होगी। जा रही है मैम, पाकिस्तान पूरा ढोल धमाके के साथ जा रही है, लड्डू वगैरह सब लेके आए हैं। अगर अभी अभी आएंगे तब से गले लगा लेंगे उनको, उनको मिलने के लिए बहुत उतावले हम। बिल्कुल,
पयोधी, ये आवाज जो है ये जरूर स्टूडियोज के जरिए जी न्यूज के दर्शकों तक भी पहुंची होगी, हमारे मेहमानों तक भी पहुंची होगी और जो ढोल नगाड़े हैं इनकी आवाज जाहिर है 23 किलोमीटर से आगे पहुंच रही होगी। तस्वीर कोई भी हो, कामयाबी भारत ने हासिल की है ये तय है और हिंदुस्तानियों ने ये जरूर दिखा दिया है कि किसी भी मोर्चे पर लड़ाई लड़ी जाएगी हम लोग साथ खड़े हैं। जी हाँ, हर मोर्चे पर हम साथ खड़े हैं। मनीष हमारे सहयोगी भी हमारे साथ हैं। मनीष, वाघा बॉर्डर पर इंतजार हो रहा है लेकिन पूरी दुनिया को यह पता होना चाहिए कि प्रयास और कोशिशें दिल्ली से की गई थी तभी यह सफल हो पा रहा है। किस तरह की कोशिशें थी और कैसे भारत की विदेश नीति और कूटनीति का आज दबदबा है, पूरी दुनिया आज भारत को मानती है, जरा यह बताइए। और क्या कोशिश दिल्ली से की गई थी जिसका नतीजा आज वाघा बॉर्डर पर दिख रहा है? देखिए, एक हम जब अपनी बात कहने से पहले एक बात कहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जब भी पाकिस्तान को पता चला कि हमारे एयरफोर्स के जेट्स ने उन पर अटैक किया, हिट किया है, पूरी पाकिस्तान की जो जनता थी, उनकी पार्टीज थी, वो एक स्वर में बोल रहे थे, अगर दुश्मन आप पे हमले कर रहा है, अगर खतरा है, तो इस देश में भी सबको एक तरीके का बोलना पड़ेगा। उसके बाद भले ही सब अपने ओपिनियन रखें। जहाँ तक आपने सवाल पूछा, देखिए पहली बात कि भारत को हासिल क्या हुआ, भारत ने हमला क्यों किया। सबसे बड़ी बात कि जैश ए मोहम्मद के जो टेरर कैंप से पाकिस्तान के अंदर थे, पीओके के अंदर थे, लगातार वो आतंकी भेज रहे थे और पाकिस्तान को लगता था कि ये जो टेरर कैंप्स है ये सेफ हैवन्स हैं और इस पर कभी भी भारत हमले नहीं कर सकता। भारत ने हमले करके दिखा दिया कि ये सेफ हैवन नहीं है और हमले के बाद पाकिस्तान पर इस तरीके का प्रेशर बना कि पाकिस्तान को झुकना पड़ा। दूसरी बड़ी बात कि विदेश मंत्रालय की स्टेटमेंट देखिए, उन्होंने कहीं से भी नहीं कहा कि हमें पाकिस्तान की दरिया दिली चाहिए या हम अभिनंदन को एक निगोशिएटिंग टेबल पर रखना चाहते हैं, नहीं। भारत ने साफ कहा कि अभिनंदन को देना पड़ेगा, अगर पाकिस्तान अभिनंदन को नहीं दिया तो जवाबी कार्रवाई की जाएगी। तीसरी बड़ी बात कि भारत की फोर्सेस अभी भी कह रही हैं कि अगर पाकिस्तान ने जैश ए मोहम्मद और दूसरे टेरर कैंप पर कार्रवाई नहीं की तो ये ऑप्शन खुले हुए हैं, यानी भारत दोबारा कार्रवाई करेगा। तो जाहिर है कि मनीष जी, भारत अपने स्टैंड पर क्लियर भी है के सिन्हा सर, क्योंकि पाकिस्तान ये कह रहा है कि अभिनंदन को वापस भेजना, हम एक शांति का प्रतीक कायम कर रहे हैं, आप उरी में सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं, अभी एनकाउंटर में सुबह दो आतंकी हमने मार गिराए, क्या चेहरा है फिर ये आपका? देखिए, पाकिस्तान की बातों से तो आप उसमें ना फंसे और इस तरह की जो डिबेटें हो रही हैं इंडिया में, और हम बार बार कह रहे हैं, आपने तीनों सेनाओं के जब बयान आपने देखे होंगे, क्लियर कट है। एयरफोर्स के जो हमारे ये थे एवीएम, उन्होंने बताया था, देखिए ये आप हम उसका ये कहते हैं, हमें खुशी है कि अभिनंदन वापस आ रहे हैं, मगर आपको मैं बता दूं, यदि आप इतिहास के खंगालेंगे, 1965 वॉर में आपको पता होगा हमारे करियप्पा जो थे वो चीफ के बेटे थे और अयूब खान ने उसको तुरंत वापस करने के लिए, और इसी तरह हुआ था और बेल आउट हुए थे पाकिस्तान में, उन्होंने मना कर दिया था उस समय करियप्पा ने कि नहीं, हमें नहीं चाहिए, और एक महीने बाद वो वापस आए थे। और इस तरह से आपने कारगिल वॉर में भी देखा, कारगिल वॉर में भी निचिकेता का था और 7 दिन के बाद आए। तो ये तो चीज़ें चलती रहती हैं, यूरोपिया लोगों को समझना पड़ेगा। और फौज आज भी आप सुने हमारे नुमाइंदों ने क्या कहा, हम समुद्र के रास्ते, आकाश में और जमीन में अभी खड़े हैं। बिल्कुल, तीनों सेनाओं की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, साफ तौर पर उसमें कह दिया गया था कि अगर आतंक का साथ पाकिस्तान छोड़ेगा नहीं तो ऑपरेशन जारी रहेगा। और जिन लोगों को लगता है कि इमरान खान शांति के मसीहा हैं, उनको एक बार फिर से सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुननी चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि 2 दिन में पिछले 35 बार सीज फायर तोड़ चुका है पाकिस्तान, इसलिए ये शांति के ढकोसले में मत फंसिए। भारत ने जो कार्रवाई की वो बेहद जरूरी थी पयोधी। बिल्कुल, पूजा मक्कड़ का एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं। अब पूजा, हम तस्वीरें देख रहे हैं और तस्वीरों में जो जोश है लोगों का, और साथ ही जैसे कि बताया मिठाइयां हैं वहां पर, लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें गले वो लगा लें अभी, और किस तरह की तैयारियां, कैसी तस्वीरें आप साझा करेंगी? बिल्कुल पयोधी, हम आपको सीधे यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। इस वक्त हम जहाँ भी कैमरा लेकर जाएंगे आपको तिरंगे नजर आएंगे जगह जगह पर, लोगों के हाथों में, अलग अलग जगहों से लोग पहुँच रहे हैं, तिरंगे लेकर पहुँच रहे हैं, कहीं कहीं फूल मालाएं लेकर पहुँच रहे हैं, कहीं ढोल नगाड़ों के साथ पहुँच रहे हैं। यहाँ देखिए ये बाबा जो है सुबह से ढोल बजा रहे हैं और जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ इसी गूंज के साथ आवाज़ देते हैं। तो सबसे पहले हम इनके ढोल से ही आवाज़ सुनाना चाहेंगे। ये हिंदुस्तान का जोश है, आप देखिए यहाँ पर तिरंगों के साथ और ढोल नगाड़ों के साथ अभिनंदन के स्वागत की तैयारी की जा रही है। और इनसे जब बात करेंगे तो इनका जो जोश है वो पाकिस्तान के पार जाता है। आप लोग खासतौर पर कहाँ से आए हैं? लोकल है मैम, 2-3 किलोमीटर से
हम सुबह 7 बजे के आके खड़े हुए हैं। हमारा असल हीरो आ रहा है, हमारा ये कल्चर है, भंगड़ा डाल के हम ढोल बजा के ही स्वागत करते हैं किसी का। आपके ढोल की आवाज जाएगी? हम गलती कहना क्या जाएंगे, हम इसी ढोल बजाएंगे, हम ढोल बजाएंगे। माला बंदा आ गया कैटक से, हम अमृतसर के इलाके के हैं, बहुत खुशी मना रहे। मोदी ये कह रहे हैं कि हम ढोल बजाएंगे और आवाज वहाँ तक जाएगी। यही भारत है पूजा, यही तो भारत है, यही हिंदुस्तान है जहाँ पर कैसे हर कोई एक हो जाता है उस वीर के स्वागत के लिए। बिल्कुल पूजा, तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं। ये तस्वीरें उन देश के नेताओं को देखनी चाहिए जो साथ खड़े होने की बात तो विशाल कर रहे हैं लेकिन साथ शायद है नहीं। बिल्कुल, इसीलिए हम जी न्यूज पर बार बार कह रहे हैं कि आज पूरा देश जी न्यूज के साथ मना रहा है अभिनंदन दिवस और इसीलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ऐसी तस्वीरें हम लगातार अयोध्या आप तक पहुंचाते रहेंगे कि किस तरह स्वागत की तैयारी हो रही है और कैसे सरकार की तरफ से जो प्रयास किए गए उसके बाद पाकिस्तान को मजबूर होना पड़ा 2 दिन में ये कहने के लिए कि सकुशल अभिनंदन की वापसी होगी।